थैंक यू माना बहन। तो आज हम सभी हमारा ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड का लेसन पक्का करने वाले हैं, है ना। वैसे तो हमारे लिए, हम ब्राह्मण बच्चों के लिए थैंक यू तो हमेशा होता ही है, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों को किस तरह से अप्रिशिएट करना है ना। बाबा हमें विशेषता दिखाने का गुण हमारे में डेवलप कर रहे हैं, तो हर छोटी बातों को हम किस तरह से थैंक यू कहे, उसका एक क्रिएटिव वर्कशॉप हम लेकर आए हैं। हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को 1 से 10 तक की जो संख्या है उसमें से कोई भी एक नंबर को चुनना है। चुन लिया, आपका फेवरेट नंबर चुन लिया, वेरी नाइस। अभी अभी क्या करना है, आप लोगों को आपने जो नंबर चुना है वो नंबर देखे और देखे कौन सा वाला टॉपिक है आपका, देख लिया। अच्छा, अभी यही टॉपिक को लेकर आपको जितने हो सके उतने आपका थैंक यू, आपका जो थैंकफुल की जो भावना है वो आपको लिखनी है। आपको बड़ी बड़ी बातों नहीं, छोटी छोटी बातों में जाना है ना। वो थैंकफुल फॉर फैमिली, जैसे माना बहन ने कहा कि ऐसे ऐसी बातों तो हम सभी थैंकफुल है, लेकिन छोटी छोटी बातों को सामने लाए। अगर आपको डिटेल में थोड़ा हिंट चाहिए तो ये थोड़ा मैंने लिस्ट बनाया है ना। ये एक्सरसाइज करने से पता चलता है, एक्चुअली मैंने थोड़ा चिंतन किया था कि हम जितना भरपूर होंगे ना, जितना हमें जो बाबा कहते हैं कि विशेषता देखने का हमें गुण होगा, तो हम छोटी छोटी बातों को हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो साथ साथ में ये एक्सरसाइज से हमारे अंदर बहुत दिव्य क्वालिटीज डेवलप होती है। मैं 2 मिनट आप साइलेंस में रहकर आपको समय दूंगी लिखने का, फिर हम देखेंगे इतने कम समय में आप कितना अप्रिशिएट कर पाए। किरण दीदी, आई होप आप भी कर रही हो, क्योंकि मैंने भी नंबर पिकअप करा हुआ है। आई होप आपने भी करा है। अच्छा, मैं भी एक्सरसाइज करूं? हाँ हाँ जी, बिल्कुल। जी जरूर, आप स्टॉप कहना हाँ माना बेन, हाँ जी, तब तक हम लिखते रहेंगे। और जैसे किरण दीदी ने कहा, और जैसे मैं कह रही थी कि दिमाग को नवीनता की जरूरत है, तो हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम नई नई चीजें, नई नई चीजें थोड़ा और गहराई में जा सके। और अगर सब शेयर करेंगे तो हम सबसे सीख पाएंगे, क्योंकि मुझे भी तो आप लोगों से सीखना है ना, किरण दीदी को भी आप लोगों से सीखना है। हम सब यहाँ सीखने आए हैं, तो सब लिखिएगा। और थैंक्सगिविंग तो फैमिली का ही रहता है ना, एवरीबॉडी कम्स टुगेदर एज अ फैमिली एंड शेयर्स। ओके, तो अभी हम शेयर करेंगे। एंड मैं बताऊँ क्यों इम्पोर्टेंट है शेयर करना? बिकॉज जो भी शेयर करेगा, हम बाकी सब लोग क्या बोलेंगे उसे? हम ब्लेसिंग्स देंगे, हम बोलेंगे तथास्तु। सो अगर मैंने कुछ शेयर करा तो मैं बोलूँगी हाँ, ये जो शेयर कर रहे हैं इनका ये और बड़ा और बेहद में जाए, और उनको मिलता जाए, और उनको जिस चीज़ के लिए वो फील कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड, उनको और भरपूर मिलता जाए। तो हम कितने लोग हैं? 53। तो आप सोचो, 53 लोगों ने बोलना है तथा अस्तु। और हम सब कौन? देवता कुल के ब्राह्मण्स, राइट? तो हम में तो पावर है। तो अगर मैं होंगी आपकी जगह में, आई विल नीड 53 पीपल टू ब्लेस मी। तो शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, कैरिंग, राइट शेयरिंग इज किरण? कैरिंग टू, राइट। राइट, एग्जैक्टली। तो किरण दीदी, आप शुरू करें, आप बताइए। और हाँ, हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे। सो ठीक है, जैसे मैं शुरू करके फिर मैं किरण दीदी का नाम लूंगी। तो जो जो पार्टिसिपेट, हम चाह मैं सोच रही हूँ कि सब करेंगे,
लेकिन अगर आप हाथ अपना रेज हैंड करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे, हम आपका नाम बुलाएंगे. सो इट विल बी लाइक अ चेन. तो मैंने शेयर करा, तो मैं किरण दीदी को उनका नाम लूंगी, देन वो शेयर करेंगी, और जिनका हाथ ऊपर है दैट मीन्स वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फिर हम उनका नाम बुलाएंगे. ठीक है? तो जैसे मैं शेयर करती हूँ, मेरा था नेचर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि जब भी मैं नलका खोलूँ, कि बिथन शुरू हो गई है ना, कि मैं जब भी नलका ऑन करूँ बर्तन धोने के लिए या कुछ भी करने के लिए, गर्म पानी अपने आप आ जाता है. मुझे वेट नहीं करना पड़ता गीजर का या किसी का भी, अपने आप गर्म पानी आ जाता है. माई हैंड्स आर सॉफ्ट, मुझे अच्छा लगता है. सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पास वो फैसिलिटी है, मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. किरण दीदी, आप. थैंक यू. मेरा एक्चुअली टेक्नोलॉजी के ऊपर था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर. तो असल में ग्रेटिट्यूड से मेरा चिंतन पर थोड़ा थोड़ा चला गया. आई एम सॉरी, माफ करना. लेकिन उसमें बहुत सारी भावना थी, और बाबा ने जो साइंस, हम साइलेंस की ओर जा रहे हैं और उड़ान भर रहे हैं, तो मतलब यही आप सभी परिवार हमें उड़ा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद. कौन किसको आप सेलेक्ट करेंगी? 30-30 seconds में हम बोलेंगे, ठीक है, ताकि सबका हो पाए. हाँ जी, ज्योति बहन. मैंने, मेरा नंबर 7 था, तो सागर मुझे बहुत पसंद है. सागर, क्योंकि जब भी मैं वहां जाती हूँ तो अंदर से मुझे एक आनंद का अनुभव होता है, और जो सागर की लहरें मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि कोई एक दिव्य एनर्जी इज डूइंग दैट लेयर, ए लेयर करती है. तो मेरा सागर वॉज माय. ओके, वेरी नाइस. हाँ जी, लक्ष्मी बेन. लक्ष्मी बेन, थैंक्स फॉर जूम. जूम से हमको सारा दिन बहुत खुशी मिलती है. मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, सब करते हैं जूम पर. इसलिए जूम मुझे बहुत, जूम का थैंक्सफुल बहुत करती हूँ. वेरी नाइस. सुनाई दिया? हाँ जी, हाँ जी. और हम सब तथास्तु कर रहे कि ऐसे ही होता जाए, ऐसे ही आपको मिलता जाए, लाभ मिलता जाए. तो हम देखो सबके हाथ रेज्ड है, तथास्तु आपके लिए. वैशाली बहन, आप बोलिए. एनी, मेरा था 9th. एनीथिंग टच योर हार्ट, एंड द मोस्ट टच माय हार्ट इज यू ऑल. आप सब, मैं आप सबकी बहुत 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 थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे परिवार दिया, आपने मुझे परिवार की भावना फील कराई, उसके लिए और रोज कराते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. तथास्तु, तथास्तु. और ऐसे ही विशाल और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाते रहे, राइट, हमारे लिए और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाए, हम और सीखे. इसलिए वैशाली दीदी को तथास्तु कि वो और करती जाए, राइट. वेरी नाइस. अगर कोई बोलना नहीं चाहता, तथास्तु. अगर कोई बोल नहीं चाहता है, कंफर्टेबल इन चैटिंग, तो आप चैट में भी लिख सकते हो. चैट पूरा भर दीजिए, आपको उसमें भी तथास्तु मिलेगा. तो चैट फटाफट भरिए जब तक हम बोल रहे हैं, जो बोलना चाहते हैं. जिसको आशीर्वाद चाहिए वो बोलेगा, जिसको 53 की ब्लेसिंग चाहिए, तथास्तु चाहिए, वो आज बोलेगा. हाँ जी, दमयंती बहन, अपने हाथ उठाए. ओम शांति. मेरा नंबर 7 था, तो प्रकृति, मुझे ब्रह्मांड बहुत अच्छा लगता है. मैं जब आकाश में देखती हूँ चांद सितारे, तो मेरा मन बहुत प्रसन्नचित हो जाता है. तो मैं रात को, मेरा बेडरूम ऐसा है कि रात को मैं खिड़की से भी मैं झांक सकती हूँ चांद मामा को, तो मुझे बहुत फील गुड होता है. थैंक यू. वेरी नाइस. नेक्स्ट कौन? तथास्तु, तथास्तु. नेक्स्ट अंजना दीदी, बोलिए बोलिए. ओम शांति. मैंने पिक किया नंबर 7, उसमें भोजन का है.
तो जब भी खाती हूँ तभी सोचती हूँ कि ये किधर से आया, कितने लोग फार्मर ने सीड्स बोया, और एवरीबडी थिंग एवरी पर्सन हु केम थ्रू वाज एबल टू ब्रिंग दिस फूड टू मी ऑन माय टेबल. Lots of people, the grocery people, the people who pick the food, water, so nature ka thankful, sun ka thankful, sabhi ko ek saath mein mila ke ye food apne table pe aata hai. To sabhi log aur prakruti ka bahut bahut thankful. That is very beautiful. That is very beautiful. इसलिए बाबा भी कहते हैं ना कि हम जब भोग लगाने की वो जो वो है, it's part of that only ना, कि हम भोग लगा रहे हैं तो thankfulness कर आ रहे हैं. And I think ये जिनके भी बच्चे हो ना, just out of my own experience, जिनके भी बच्चे हो या grandchildren हो, this is a very good way कि बच्चों को साथ में शामिल करना, टू टेल देम खाने से पहले कि सोच के बताओ कितने लोगों का हाथ टच करा होएगा ये खाना टेबल पे तुम्हारे लिए लाने के लिए, फिर चांसेस है कि वो खाना वेस्ट नहीं करेंगे. राइट, व्हेन यू टेल देम कि कितने लोग, जैसे आप कह रही थी अंजना दीदी, कि कितने लोग फार्मर से लेके ट्रक ड्राइवर से लेके कितने लोग लाते हैं, सो दैट वे नोबडी विल वेस्ट देयर फूड और वैल्यू बढ़ेगी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. नेक्स्ट, हाँ जी उर्मिला दीदी. सो मेरा नंबर 4 था. सो फैमिली था तो फैमिली के साथ सुख और दुख बांटने के लिए बहुत अच्छा लगता है और भी शांति भी मिलती है. गोपिका बेन, ओके. ओम शांति. मेरा नंबर था 7 और 7 में है जल. तो मैं जब सुबह में उठती हूँ मुरली के लिए, सो जब मैं नहाती हूँ, स्नान करती हूँ, तब मुझे लगता है बाबा आपने पानी बनाया, बाबा आपने पानी मुझे दिया और बाबा मैं पानी यूज कर सकती हूँ. कितने लोग पानी है उसके पास वो यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं उसके पास पानी नहीं है. मेरे बाबा ने बनाया, मुझे दिया, मैं यूज करती हूँ और मुरली के लिए तैयार हो जाती हूँ. ओम शांति. वेरी नाइस. अगर आप लोगों का चैट पे ध्यान नहीं है तो मैं आपको चैट में बताती हूँ. रूपाली बहन ने कहा कि थैंकफुल टू द एयर दैट आई ब्रीद. बाबास चाइल्ड सेड कि आई फील इमेंस ग्रैटिट्यूड, कि मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ लौकिक और अलौकिक परिवार के लिए. US में नहीं बट ऑल ओवर द ग्लोब, सब जगह से जो मेरे भाई बहन हैं, और स्पेशली मंडे को जो ब्रदर हर्षा का जो सेशन होता है जहाँ डिफरेंट भाई बहन आते हैं बात करने के लिए, तो उन चीज़ों के लिए वो बहुत ग्रैटिट्यूड बता रहे हैं. फिर प्रवीणा ने बहन ने कहा है वैशाली बहन के लिए, बिकॉज वो जूम पे अभी उनके साथ उनको देख पा रही है. दक्षा दीदी ने कहा है ऑल द ग्रीन ट्रीज एंड प्लांट्स नेचर के लिए. हम सब कर रहे हैं ना मन ही मन में तथास्तु. और फिर बाबास चाइल्ड ने तो लिखा जूम के जो CEO है, जो जूम जिसने बनाया हुआ है उसके लिए. हम हेमा बहन से सुन के फिर हम मेडिटेशन पे जाएंगे. ठीक है हेमा सिस्टर, आप बताइए. थैंक यू. आप सबने जो भी बातें करी वो तो हम रिपीट करना नहीं चाहेंगे. हमारा नंबर 8 था. वैसे तो हमने 8-10 बातें नंबर 8 में टेक्नोलॉजी और साइंस में लिख दी है, लेकिन बचपन से ही हमको वॉशिंग मशीन के प्रति बहुत है ना. वॉशिंग मशीन है ना. अगर कहते हैं कि क्वेकर्स क्रिएटेड वॉशिंग मशीन क्रिश्चियंस हैं टू गेट मोर टाइम टू प्रेयर. वॉशिंग मशीन क्यों बनाया? ताकि आपको ज्यादा समय मिले प्रेयर करने के लिए. लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं ना. अगर वॉशिंग मशीन नहीं होता, अभी आप मधुबन जाएंगे बिना वॉशिंग मशीन से कितनी तकलीफ होती है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स वॉशिंग मशीन, कितने अच्छे कपड़े साफ करके धुले हुए हमको देती हैं. और जूम के कारण परिवार इतना बड़ा मिला, वो तो है ही है, वो तो अंडरस्टूड है. सो थैंक यू. ओम शांति एवरीवन. माय नंबर वाज 7 एज एवरीवन अदर सेज. और उसमें मैंने सिलेक्ट किया लैंडस्केप. आई लव टू वॉक ऑन द ग्रास एंड ऑन द लैंडस्केप. तो लैंडस्केप भी हमारे लिए कोई बना रहा है और उसने अच्छी तरह जमीन को सींचा और उसको वहाँ पे कुछ प्लांट किया जिसपे हम चल रहे हैं, तो हमें अच्छा आनंद मिलता है उससे. तो उस आनंद के हम सहभागी बनाने के लिए हम सबको थैंक यू कहते हैं. एलिजाबेथ सिस्टर हैं,
वो हमें मेडिटेशन का एक्सपीरियंस के थ्रू लेके जाएंगी. सो वेलकम ईवन. ओम शांति. माय नेम इज एलिजाबेथ. यू नो मी नाउ. सो वी हैव दिस वंडरफुल टाइम टू हैव अ मेडिटेशन टुगेदर for this season of giving thanks, this season of gratitude. And let's take a journey inward to experience the subtleties and how spirituality brings a whole world of understanding, of insight, understanding myself, and therefore understanding others. So let's take a nice deep breath and exhale all the thoughts of the day. Set aside anything that you might be doing, and let's dedicate this moment for myself and to connect with the Supreme Being, with Baba. As I journey inward and experience my own essence, and even my original sanskars of love and patience, of even understanding the difference between soul consciousness and body consciousness, I actually have the key to understanding God. This soul has a special part in the drama. How fortunate am I, the soul? I hold the key of understanding in my hand. Yet to keep this key, I must remain in my self-respect. To be in the awareness of my original self, I, the soul. In this awareness of being the spiritual presence, I'm aware of my own eternal form of light. I own nothing. I take nothing with me. This awareness brings me a freedom. I, the soul, am a child of the Supreme Being, the Almighty Authority. And this brings the soul power. I have light and I have might. Also, this awareness, the true Swaman of self-respect, I can understand
comprehend and even use this wisdom that the Supreme Being gives the soul. And this gives the soul insight. I have light. I have might. And I have insight. By remaining in this awareness while performing action, this gives the soul a right to claim my self-sovereign state. My self-sovereign part in the drama. So I have light of awareness of the soul, might in relationship with Baba, insight by absorbing Baba's wisdom, and by putting it in action, I have all rights. It's as if everything has opened up for the soul, and I sit in Baba's lap, absorbing the love, the purity, the joy of being. The joy beyond any senses, any adrenaline rush, just simply to be. And it's as if my eyes open for the first time and I see the world like I've never seen it before, with a childhood wonder. Whose child am I? Baba, I belong to you. And you belong to me. I have always belonged to you, the Supreme. You're my eternal friend. You are my guide, my guru, my eternal father. And you purify the soul. I am renewed. I now see how everything in life is happening for me, the soul. Every scene in the drama is intended for me. To finish old accounts and create new ones that empower the soul.
and I soak those rays in, I take in the love and the blessings from the bestower of blessings. I have so much that in my heart I simply want to bestow on others. I want to give back. I want to appreciate everyone's part in the drama. Each and every soul, each and every movement of nature is accurately playing its role, its part in bringing that golden, aged era of purity, freedom, unending joy, and it begins from this moment forward. And I imagine myself stepping out of any cage, anything that binds the soul. And I let go. I open that door and I am free. And the soul is in the light. I am light. And the soul dances in the light, every encounter, every action the soul performs through this body brings light. This appreciation and gratitude sheds light. In this game of suddenly, I remain in the light. I am light. I give light. And I'm with the Supreme Light. And now, let's bring this light that now fills my heart and inspires my mind and my hands. Let's bring this light into all the relationships and encounters and everything that this soul touches in this world. Let me bring light. Om Shanti.